ये फौज के लिए ये एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है फौज के लिए, जिसमें कि जो फौज का भी सिक्योरिटी फोर्सेस का जो मोरल और मोटिवेशन है बहुत हाई है, जो कि हमेशा रहा है लेकिन अब और ज़्यादा हो गया है। साथ ही साथ जो मिलिटेंट तंजीम्स हैं उनका जो मोरल है वो अभी बिल्कुल ही डाउन हो गया है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, जो ऑडियो क्लिप ये दर्शाता है कि जो आर्म फोर्सेस और जो आवाम है इनका जो आपस में संबंध है वो बहुत ही बेहतरीन है, जिसमें कि एक दूसरे पे इनका ट्रस्ट और फेथ है। ये ऑडियो आपने अगर सुना है तो उसमें आप देखेंगे जो हाउस ओनर है वो हमारे कंपनी कमांडर से रिक्वेस्ट कर रहा है, गुजारिश कर रहा है कि ये जो अब्बू दुजाना और उसका एसोसिएट इसके घर में बैठे हुए हैं, ये जो घर वाले हैं इनको बाहर नहीं जाने दे रहे हैं उस टारगेट हाउस से। तो यहाँ पर उसने गुजारिश की कि आप कुछ करें जिससे कि मैं और मेरे फैमिली मेम्बर इस घर से बाहर आ जाएं। तो इसके बाद हमारा जो कंपनी कमांडर है उसने हाउस ओनर को बोला कि आप मेरी बात अब्बू दुजाना से कराइए, जो उसने उस अब्बू दुजाना से इनकी बात कराई। तो कंपनी कमांडर ने इनसे पूछा अब्बू दुजाना से सबसे पहला सवाल कि आप सरेंडर क्यों नहीं करते, अगर आप सरेंडर कर जाएंगे तो आप आर्मी की सेफ कस्टडी में आ जाएंगे, पुलिस की सेफ कस्टडी में आ जाएंगे, जिसको कि अब्बू दुजाना ने नहीं माना। उसका दूसरा सवाल जो मेरे कंपनी कमांडर ने करा वो ये था कि आप जानते हैं कि जो यहाँ पर मिसगाइडेड मिसलेड यूथ हैं वो एक तरह की एक कठपुतली हैं, जो कि हमारे एडवर्सरी हैं, इंटरनेशनल एलिमेंट्स हैं, उनके हाथ में एक कठपुतली है, तो ये आप लोगों को समझना चाहिए, इसीलिए आप सरेंडर कर जाइए। तो अगर इसके बाद आप अगर देखें जो दुजाना ने इस सवाल का जवाब दिया, वो जो उनका लहजा था दुजाना का, वो लहजा और साथ ही साथ उनका जो दबी हुई आवाज़ में उन्होंने बोला, वो खुद से इस चीज़ में हामी भर रहे हैं कि हाँ हम एक तरह की कठपुतली हैं। अभी जो ऑडियो क्लिप में उसको इनकार कर रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये रिपोर्ट्स के अनुसार दुजाना ने उसी घर की लड़की जिसका नाम रुकैया है उससे शादी करी है, ये काफ़ी टाइम पहले से ही चल रहा है और इसी बात को लेकर के दुजाना बार बार इस जगह पर आता था। इस मिलिटेंसी का संबंध है? देखिए ये जो सवाल है ये मेरे प्रीव्यू से बाहर है, क्योंकि जो नॉर्मल जो आम जनता है स्टोन पेल्टिंग करती है ये किसी के भड़काने के ऊपर करती हैं, और ये जो स्टोन पेल्टिंग का जो इशू है अगर आप देखेंगे पिछले कुछ महीनों से ये स्टोन पेल्टिंग का इशू काफ़ी डाउन हो गया है, और अभी जो रिसेंटली ये जो ऑपरेशन हुआ है दुजाना का, इसमें भी आप देखेंगे कि कोई इसमें स्टोन पेल्टिंग या आई सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होगी इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं आई।